हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग भारत इज माई होम का समरी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, यानी समरी एक्सप्लेन का एक एक लाइन हिंदी में जानेंगे और इसका अर्थ समझेंगे ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। तो ये 100 नंबर के इंग्लिश में 5 नंबर का समरी आपको पूछता है, ठीक है ना। तो चलिए समरी को जाने। भारत इज माई होम, जिसके ऑथर है डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है ना, जिसके लेखक है डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये प्रोज का आपका दूसरा चैप्टर है। समरी ऑफ द लेसन, इस समरी में क्या दिया है, चलो उस एक एक लाइन को समझे। भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है, इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच, यह स्पीच से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, तो यह एक्सट्रैक्ट, यह अंश जो है ये कहाँ से लिया गया है, स्पीच से लिया गया है, यानी भारत इज माई होम जो है वह एक भाषण से लिया गया अंश है। भाषण का लिया गया एक अंश है। किसका लिया गया अंश है डियर, तो भाषण का लिया गया एक अंश है, एक्सट्रैक्ट है यानी अंश है। ही गेव इन 1967 आफ्टर टेकिंग द ओथ एज प्रेसिडेंट, यह भाषण डॉक्टर जाकिर हुसैन देते हैं 1967 में जब वह राष्ट्रपति का शपथ लेते हैं। ओथ मतलब शपथ होता है, एज द राष्ट्रपति के रूप में वह शपथ लेते हैं, ठीक है ना। ओथ एज द प्रेसिडेंट मतलब होता है राष्ट्रपति के रूप में जब शपथ लेते हैं तब वह यह भाषण को देते हैं। इस भाषण का नाम है भारत इज माई होम, ठीक है ना। डॉक्टर जाकिर हुसैन एश्योर्ड अस, डॉक्टर जाकिर हुसैन हम लोग को एश्योर्ड करते हैं यानी विश्वास दिलाते हैं, डैट कि ही इंटर दिस ऑफिस इन ए स्पिरिट ऑफ प्रेयरफुल ह्यूमिलिटी एंड टोटल डेडिकेशन। टोटल डेडिकेशन, वो विश्वास दिलाते हैं कि जब मैं इस ऑफिस में प्रवेश करूँगा तो स्पिरिट उत्साह और प्रेयरफुल और प्रार्थनापूर्वक ह्यूमिलिटी मानवता के साथ एंड टोटल डेडिकेशन और आप और आत्मसमर्पण के साथ मैं इस ऑफिस में प्रवेश करूंगा। किस ऑफिस, दिस ऑफिस यानी यहाँ पर प्रेसिडेंट का ऑफिस होता है, उस ऑफिस में प्रवेश करूंगा, उस समय मेरे पास उत्साह होगा, प्रेफुल होगा, ह्यूमिलिटी होगी यानी मानवता होगा, एंड टोटल डेडिकेशन और पूरा आप आत्मसमर्पण होगा, ठीक है ना। ऐसे मतलब विश्वास दिलाते हैं। ही से वो कहते हैं, ही हैज जस्ट टेकन द ओथ ऑफ लॉयलिटी एंड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है ना। वो अभी अभी जो शपथ लिए, वो शपथ लिए ऑफ लॉयलिटी, वो वफादारी का शपथ है टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान के वफादारी का वो शपथ है। उन्होंने बताए, किन्होंने बताया, जाकिर हुसैन बताए। डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लीज हिमसेल्फ, वो अपने आप से प्रतिज्ञा करते हैं टू द लॉयलिटी ऑफ आवर पास्ट कल्चरल, वो अपने आप से वादा करते हैं प्लीज मैंने अपने आप से वादा करते हैं लॉयलिटी ऑफ आवर पास्ट कल्चरल, कि मैं अपने पास्ट कल्चरल को बचाए रखूँगा, लॉयलिटी रखूँगा यानी वफादार रहूँगा, यानी पास्ट कल्चरल से मैं वफादार रहूँगा, इसको वो बताते हैं, ठीक है ना। यानी पास्ट कल्चरल के साथ मैं वफादार रहूँगा, इस चीज़ को जाकिर हुसैन बताते हैं। ही सेज, वह कहते हैं, एजुकेशन इज द ओनली इंस्ट्रूमेंट, वह कहते हैं कि शिक्षा ही एक ऐसी हथियार है, इंस्ट्रूमेंट मतलब होता है हथियार, इंस्ट्रूमेंट मतलब हथियार होता है मित्रों, तो वो बताते हैं कि शिक्षा ही एक सिर्फ ऐसी हथियार है विच जो
कैन डेवलप ए मैन, जो एक मानव को विकसित कर सकती है, डेवलप कर सकती है यानी विकसित कर सकती है, एक स्टेट को डेवलप कर सकती है, एक राज्य को विकसित कर सकती है, एंड ए नेशन, और एक राष्ट्र को वो विकसित कर सकती है, वो कौन सी चीज़ है? तो वह है शिक्षा है। वो बताते हैं, कौन बताते हैं? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन बताते हैं। ही टॉक्स अबाउट रिन्यूअल, उसको वो नया करना चाहते हैं वो शिक्षा को, वह अबाउट रिन्यूअल, ही टॉक्स अबाउट रिन्यूअल, वो बात करते हैं अबाउट रिन्यूअल मतलब नया करने के लिए, कोची को नया करने के लिए, तो अपने शिक्षा को नया करने के लिए। एंड एल्सो से, और कहते हैं कि डैट मतलब कि इट इज़ पॉसिबल ओनली, ये तभी संभव हो सकता है, ये तभी संभव हो सकता है, व्हेन, जब एजुकेशन विल बी एवरीवेयर, जब शिक्षा सभी जगह होगी तभी यह संभव हो सकता है। एजुकेशन विल बी एवरीवेयर यानी शिक्षा सभी जगह होगी तभी यह क्या हो सकता है, इट इज पॉसिबल, तभी यह संभव हो सकता है। क्या संभव हो सकता है? तो डेवलपमेंट माने विकास संभव हो सकता है। ही सेज डैट, वह कहते हैं भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है, एंड इट्स पीपुल आर माई फैमिली, और यहाँ के लोग मेरे परिवार हैं, यहाँ के लोग मेरे परिवार हैं, ऐसा जाकिर हुसैन कहते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार वर्क हैज टू एक्सेप्ट, काम के दो पहलू होते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम, डॉक्टर जाकिर हुसैन यानी अकॉर्डिंग टू हिम का मतलब होता है, अकॉर्डिंग टू हिम मतलब होता है डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार, डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार वर्क हैज टू एक्सपेक्टेक्स एस्पेक्ट्स, वर्क हैज टू एस्पेक्ट्स, काम के दो पहलू होते हैं, एस्पेक्ट्स मतलब काम के दो पहलू होते हैं। फर्स्ट वन इज द इंडिविजुअल वर्क, पहला जो काम होता है उसे इंडिविजुअल वर्क कहते हैं, यानी व्यक्तिगत काम होता है, पहला काम क्या होता है, व्यक्तिगत काम। एंड सेकंड वन इज सोशल वर्क, और जो दूसरा जो काम होता है वह एक सामाजिक कार्य होता है, वह एक सोशल वर्क होता है। ये बात कौन बताते हैं? तो ये बात डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा बताया जाता है। बोथ द वर्क हैज द सेम इम्पोर्टेंस, बोथ आर मैच्योरिटी फ्रूटफुल, ये दोनों काम अपने अपने जगह पर सेम इम्पोर्टेंट है, एक ही जैसा महत्वपूर्ण है। एंड बोथ आर मैच्योरिटी ऑफ फ्रूटफुल, और दोनों ही लाभदायक हैं, और दोनों क्या हैं, तो दोनों ही लाभदायक हैं, ऐसे वो बताते हैं। इंडिविजुअल वर्क्स मैक्स ए मैन स्ट्रॉन्ग, व्यक्तिगत काम एक मनुष्य को स्ट्रांग बनाता है यानी मजबूत करता है, मोरल करता है यानी नैतिक करता है, एंड फ्री, और उसको स्वतंत्र करता है। कौन काम? तो इंडिविजुअल वर्क यानी व्यक्तिगत काम एक मनुष्य को कैसे बनाता है, एक मजबूत व्यक्ति बनाता है, नैतिक बनाता है और उसे स्वतंत्र बनाता है। बट लेकिन एट द प्रियल लेकिन वो जब जोखिम में होते हैं तो ही एल्सो नीड्स, तो उनको ज़रूरत भी पड़ती है द सपोर्ट ऑफ द सोसाइटी, तब उनको किन की ज़रूरत पड़ती है, तो समाज की ज़रूरत पड़ती है, सपोर्ट ऑफ सोसाइटी, तब उनकी ज़रूरत जोखिम में किन की पड़ती है, तो समाज की पड़ती है। सोशल वर्क हैज़ यूनिट एंड पावर, इसीलिए सामाजिक काम के पास क्या होता है, यूनिट होती है, एकता होती है, एंड वर्क एंड पावर, और उसके पास क्या होती है, शक्ति होती है, क्या होती है उसके पास, तो शक्ति होती है, ठीक है ना, किसके पास, तो सोसाइटी वर्क के पास यानी सोशल वर्क के पास। फाइनली ही सेज, अंत में वो कहते हैं आई हैव फैथ इन माई पीपुल, मुझे अपने लोगों पर विश्वास है, हु विल अप्लाई देयर फुल एनर्जी टू वर्क, वो अपने पूर्ण शक्ति के साथ फुल ऊर्जा के साथ वो अपने काम में अपने लग जाएंगे, वो पूरे ऊर्जा के साथ अपने काम में लग जाएंगे। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हम लोग सीखे भारत इज माई का
माई होम का एक्सप्लेन, समरी एक्सप्लेन, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब। हैव ए नाइस डे।